अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकोडिंग स्कीम की। इनकोडिंग स्कीम की और आज जो इनकोडिंग स्कीम हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है BCD या बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। ये इनकोडिंग स्कीम बेसिकली कन्वर्जन्स में इस्तेमाल होती है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में या डेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन में। दोनों कन्वर्जन्स के लिए ये इनकोडिंग स्कीम है। एक बेसिकली एक तरीके से शॉर्टकट मेथड भी आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपको LCM मेथड नहीं आता या बहुत लंबा लग रहा है, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहा जा रहा है कि 1028 बाइनरी डेसिमल नंबर का बाइनरी बताओ, तो इसका बाइनरी कैलकुलेट करने में विद द LCM मेथड बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसको ओवरकम करने के लिए जो इनकोडिंग स्कीम हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है BCD या बाइनरी कोडेड डेसिमल्स की इनकोडिंग स्कीम। इस इनकोडिंग स्कीम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंस है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है 2 to the power का, 2 to the power n का। और आप जानते हैं कि n बताता है नंबर ऑफ बिट्स, कि कितनी बिट्स यूज़ हो रही हैं, और 2 to the power n का जो भी आंसर होता है वो बताता है कि टोटल कॉम्बिनेशंस ये बिट्स कितने बना सकता है, टोटल कॉम्बिनेशंस इन द गिवन बिट्स। ऑलराइट, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2 to the power 0 का मतलब होता है 1, 2 to the power 1 का मतलब होता है 2। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, 2 to the power 1 का मतलब होता है 2। सिमिलरली 2 to the power 2 का मतलब होता है 4, 2 to the power 3 का मतलब होता है 8, 2 to the power 4 का मतलब होता है 16 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एक कॉम्बिनेशन चलता चला जाता है। सो इसका मतलब ये है कि 2 to the power 0 अगर कोई भी बिट नहीं है तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि बेसिकली ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। टू दी पावर वन का मतलब है कि हमारे पास एक बिट है और हमारे पास दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। टू दी पावर टू बिट्स आने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, और वो कॉम्बिनेशन हैं या तो क्योंकि हमारे पास 2 बिट्स हैं, तो यहाँ पे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि 2 बिट्स का मतलब है 2 वायर्स। सो एक वायर की टोटल 2 स्टेट्स हैं, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। सो अगर इस हिसाब से देखा जाए इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को, तो हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, या तो दोनों ऑफ होंगे, या तो एक ऑफ होगा और एक ऑन होगा, या तो पहला वाला ऑन होगा और दूसरा ऑफ होगा, या तो दोनों ही ऑन होंगे। इन कॉम्बिनेशंस को हम नंबर्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि नंबर्स में ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं। सो ऑफ, जैसे कि आप जानते हैं कि रिप्रेजेंट करता है 0 को, और ऑन रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो जो भी इसके कॉम्बिनेशन बने, हम उसको नंबर्स में अगर लिखें तो वो होते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। राइट, सो इस तरीके से आप अगर काउंट करें, अगर आपके पास लेट से ये 1 बिट का कॉम्बिनेशन है और ये 2 बिट का कॉम्बिनेशन है, तो आपके पास टोटल कितने नंबर बन रहे हैं। सो इसका एक आसान तरीका ये है कि आपके पास जो भी बिट्स आ रही हैं, आप उन सबको ऐड करते जाएं, तो ऐड करने पे जो भी एक्चुअली नंबर बन रहा होगा इन दोनों को ऐड करने का, इन दोनों को ऐड करने के बाद, वो एक्चुअली नंबर ये कॉम्बिनेशन बना रहा होगा। दैट मीन्स कि 0 0 का मतलब है 0, 0 + 1 का मतलब है 1, 0 + 1 का मतलब ये हुआ कि 1 बिट ऑन है
और टू वाली बिट ऑफ है, जो कि टू का कॉम्बिनेशन या टू का नंबर ऐड कराएगी। इसी तरह थर्ड वाले में ज़ीरो का बिट ऑफ है और सॉरी वन का बिट ऑफ है और टू का बिट ऑन है, विच मीन्स कि हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा टू। और लास्ट वाले में हमारे पास दोनों ऑन है, दैट मीन्स कि वन प्लस टू इज़ थ्री। तो जैसे कि आपने देखा हमारे पास यहाँ पर टोटल चार कॉम्बिनेशंस बने हैं ज़ीरो से लेके थ्री तक के, राइट। सो इस तरीके से अगर मैं एक 16 का टेबल बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा 16 के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 to the power 4, दैट मीन्स 4 बिट्स रिक्वायर्ड हैं टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो एक BCD का कॉम्बिनेशन टेबल हम यहाँ पर बना के देखते हैं कि 16 बिट के लिए, 16 कॉम्बिनेशन के लिए 4 बिट का टेबल क्या क्या नंबर्स बनाता है। सो हम पहले इसको यहाँ से रब कर लेते हैं। ऑलराइट, सो 16 कॉम्बिनेशन का BCD टेबल बनाने के लिए हमारे पास टोटल 4 बिट्स रिक्वायर्ड हैं। और 4 बिट्स में हमारे पास लेट से ये हमारी फर्स्ट बिट है, ये हमारी सेकंड बिट है, ये हमारी थर्ड बिट हो जाएगी और ये हमारी फोर्थ बिट हो जाएगी। फर्स्ट बिट के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली वो बनता है 2 to the power 0 से, जो कि फर्स्ट बिट रिप्रेजेंट करता है। जब सेकेंड बिट आ जाती है तो 2 to the power 1 हो जाता है, थर्ड बिट आती है तो 2 to the power 2 हो जाता है, और फोर्थ बिट आती है तो 2 to the power 3 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो कॉम्बिनेशंस बने हमारे पास 2 to the power 0 इज़ 1, 2 to the power 1 इज़ 2, 2 to the power 2 इज़ 4 एंड 2 to the power 3 इज़ 8। सो अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाऊँ कि मेरे किस कौन सा डेसिमल नंबर किस नंबर के बराबर होगा, तो लेट से मेरे डेसिमल नंबर शुरू हो रहा है 16 के लिए, टोटल 16 कॉम्बिनेशंस इन डेसिमल मेरे पास इक्वल होगा 0 से लेके 15 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऑलराइट, सो 0 के लिए मुझे कितनी बिट्स ऑन करनी है। सो लेट से अगर मुझे 0 चाहिए तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी बिट ऑन नहीं होगी तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी बिट ऑन हुई तो वो कोई ना कोई नंबर बना देगा। अगर मैं पहली बिट ऑन करूँगा सबसे राइट मोस्ट वाली तो वो 1 बना देगा। इन दैट मीन्स कि अगर मैं चारों में से कोई भी ऑन कर दूंगा या 1 कर दूंगा तो वो मेरा कोई ना कोई नंबर बना देगा। तो दैट मीन्स कि 0 बनाने के लिए या ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास सारी बिट्स 0 होनी चाहिए, राइट। नाउ अब मुझे 1 बनाना है डेसिमल में, तो डेसिमल में जब मुझे 1 बनाना है तो मेरे पास जो पहली बिट है सबसे राइट वाली वो 1 का नंबर मुझे प्रोवाइड करती है। तो जब मैं इसको ऑन कर दूंगा दैट मींस कि मेरे पास 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा और मैं बाकी सबको ऑफ कर दूंगा। सिमिलरली 2 बनाने के लिए मैं सिर्फ 2 वाली बिट को ऑन कर दूंगा और बाकी सबको ऑफ कर दूंगा। अब इस तरह 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई 2 या 1 से ज़्यादा बिट ऑन करनी पड़ेगी ताकि मेरा 3 कॉम्बिनेशन बन जाए। और वो कैसे बनेगा, मैं 2 और 1 को ऑन कर दूं और बाकी सबको 0 कर दूं तो मेरा 2+1 3 वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो 4 वाली बिट जो कि डायरेक्टली 4 नंबर बना रही है मैं उसको ऑन कर दूंगा और बाकी सब मेरी ऑफ हो जाएंगी। तो ये मेरी 0 की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये 1 की, 2, 3, 4 ये मेरी रिप्रेजेंटेशंस हो गई, राइट, इन बाइनरी की फॉर्म में, राइट। सो अब 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए होगा कि मैं 4 को ऑन करूँगा और 1 को ऑन करूँगा और बाकी सब 0 हो जाएंगी। तो मेरा 4+1 इज़ 5 बिट रिप्रेजेंट, 5 डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह 6 के लिए मैं 4 और 2 को ऑन करूँगा और बाकी सारी बिट्स को ऑफ कर दूँगा, क्योंकि 4+2 6 की रिप्रेजेंटेशन बनाएगा और वो बिल्कुल करेक्ट होगी। इसी तरीके से 7 के लिए मैं 4, 2 और 1, क्योंकि ये 3 नंबर मिलके मेरा 7 बनाएंगे, 4+2+1 इज़ 7 और मैं 8 वाली ऑफ कर दूंगा तो मेरे पास 7 की रिप्रेजेंटेशन बन गई। इसी तरह जब मैं 8 के लिए करूंगा तो 8 में मेरे पास 1 ऑन होगी और
बाकी सब जीरो हो जाएंगी। इसी तरह मैं सारे कॉम्बिनेशंस को बना लूँगा, 1 0 0 1 1 0 1 0, दिस इज फॉर दिस, इसी तरीके से 1 0 1 1, ये इसके लिए है 1 1 0 0, ये इसके लिए है 1 1 0 1 1 1 1 1. ऑलराइट, सो ये मेरा टोटल एक बीसीडी का टेबल था फॉर द 6 4 बिट। इस तरीके से मैं 3 बिट का भी बना सकता हूँ, मैं 2 बिट का भी बना सकता हूँ, मैं 5 बिट 6 बिट जितने भी बिट्स हैं उन सब का बना सकता हूँ। सो नॉर्मली बिट की मदद से हम जान सकते हैं कि हमारा कौन सा मैक्सिमम नंबर कितने में बन सकता है। तो लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर है 20, तो क्या 20 इन 4 बिट से बन सकता है? क्या 20 ये 4 बिट्स बना सकता है? इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इन 4 बिट्स के पास कॉम्बिनेशन ही 0 से लेके 15 तक के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 15 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। इसीलिए अगर मुझे 20 चाहिए होगा तो मुझे 5 बिट्स पे जाना पड़ेगा। कैसे? कि मेरे पास जो कॉम्बिनेशन होंगे वो फिर होंगे 16 8 4 2 1। इससे एक अच्छा तरीका या आसान तरीका ये है कि आप 2 की पावर 5 पे चेक करें। जैसे कि आपने देखा कि ये जो मैक्सिमम नंबर्स हैं 2 की पावर 3 तक पे, ये 15 कॉम्बिनेशन बना रहे थे, लेकिन अगर 2 की पावर 4 किया जाए तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, राइट? तो 16 अगर मैं इसमें एक और बिट ऐड कर दूं तो दैट मींस ये हो जाएगा 16 + 8 + 4 + 2 + 1। 16 + 16 इज टोटल 32। 16 + 16 कैसे? 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 8 = 15, एंड 15 + 16 = 31। दैट मीन्स 0 से लेके 31 के नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 5 बिट में, और टोटल कॉम्बिनेशन है हमारे पास 32। तो जब भी कोई कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर हमें जानना हो कि हमारी कोई भी बिट कितने कॉम्बिनेशंस बना सकती है, तो टोटल कॉम्बिनेशन में से अगर एक माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास वो मैक्सिमम नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। सो ये था हमारा बीसीडी की टेबल के पर एक इनकोडिंग स्कीम, जिससे आप डायरेक्टली कोई भी नंबर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एलसीएम मेथड।